तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। और बने रहिए हमारे साथ। और हम लोग आए हैं, ये लोडिंग है गाड़ी की, लोड हो रही है और लोड हो रही है बम्बई की। एक गाड़ी लोड हो चुकी है जो अपने साथ जाने वाली है, दूसरी अपनी है जो लोड हो रही है। तो बने रहिए, अब लोडिंग के दौरान क्या क्या होता है सब आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अपनी गाड़ी आधी लोड हो चुकी है और आधी और लोड होनी बाकी है। ये भाई है जो लोड कर रहा है और आप देख ही सकते हैं, आधी लोड हो चुकी है, आधी होनी बाकी है। राहुल वो गाड़ी के सामने खड़ा होकर पता नहीं क्या कर रहा है, अभी टायर वायर चेक किया, टायर चेक करके आगे जाके खड़ा हो गया है। तो यही है, गाड़ी हो गई अपनी लोड, देख लो पूरी की पूरी। और अब ना करना है रास्ता त्रिपाल, और त्रिपाल भी कम से कम दो तीन करनी है, क्योंकि भाई पाउडर है, अगर भीग गया तो बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। आओ चले करते हैं रास्ता त्रिपाल बंद कर। त्रिपाल को डाला जाता है, फिर रस्सी लगाई जाती है। ये हमारे हैं ड्राइवर साहब और एक हैं लेबर, जो दोनों लोग मिलकर रस्सा त्रिपाल कर रहे हैं। अब तो फाइनली दोस्तों, रस्सा त्रिपाल हो गया और हाथ की हालत और हमारी हालत देख लो। ये है गाड़ी का रस्सा त्रिपाल करने का मेहनत, भाई बहुत मेहनत लगता है यार रस्सा त्रिपाल करने में। तो फाइनली रस्सा त्रिपाल हो गया, आप गाड़ी देख सकते हो। और अब हम चलेंगे कांटा करने, तो आओ चलते हैं। कांटे पे आ रही है, दोस्तों यहाँ देखिए हो गया है। ये काटा है सामने, आप जा रहे हैं पेपर लेने, नहीं तो टाइम हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगा, फिर पेपर भी नहीं मिलेगा। देखते हैं। फाइनली दोस्तों, अभी ना सुबह के 7 बज रहे हैं और कल रात में लोड करके हम लोग खड़े हुए, तो मतलब पूरी रात खड़े रह गए, रात को पेपर मिला नहीं। अभी सुबह 7 बजे मिला है, तो कंपनी 5 मिनट हो रहा है। तो यहाँ से सीधा गांधीधाम जाएंगे और गांधीधाम जाके ना हमें वहाँ पे पिल्टी मिलेगी और डीजल भी वहीं पे लेना है। तो दोस्तों, गाड़ी हो गई है अपनी खड़ी और 12:30 हो गए, तो मतलब अब खाना वाना खाने का टाइम हो रहा है। गाड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है, तो इसमें थोड़ा साफ सफाई करनी है, कपड़े मारने हैं, बस थोड़ा धोना भी है। पूरी टंकी में माटी माटी पड़ी है, पूरा आगे से पीछे तक सब एकदम गंदी पड़ी है, देख लो आप, पूरा ऐसा लगता है जैसे कितने दिन से खड़ी है। तो यही है, नहाना भी है। तो फाइनली दोस्तों, नहाना धोना हो चुका है और नहा चुके हैं, गाड़ी भी धो चुकी है, साफ हो गई है, देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल चकाचक अंदर बाहर पूरा। ये और लाइट एकदम चमक रही है भाई। अब चलते हैं ढाबे की। तो भाई आ चुका है अपना खाना। तो फाइनली दोस्तों, खाना पीना खा के हम लोग निकल चुके हैं। और अब भाई लोग यार, गांधीधाम ना, गांधीधाम पहुंचने से पहले ही ये जो जाम लगा हुआ है गाड़ियों का, ये ना पूरा एक ट्रेलर लड़ गया है, और ट्रेलर लड़ने की वजह से पूरा जाम हो रखा है, पूरा जितना दूर इधर देख लो, इधर तो भाई पूरा एकदम जाम लगा हुआ पड़ा है। अब यहाँ से गांधीधाम ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 6-7 किलोमीटर बचा हुआ है, लेकिन अभी तुरंत ताज़ा एक्सीडेंट हो गया और लग गया जाम भाई, हो गए खड़े। वो खड़ी रही अपनी गाड़ी, अब देखो जब तक मैं जाम खुले तब तक निकलेंगे यार, क्या बताएं, बहुत बुरी तरह फंस गए। और वो भी लंबा वाला ट्रेलर है, जैसे ये हम लोगों का खड़ा है ऐसे है, तो पूरे रोड में आ गया है, अब वो हटेगा तभी निकल सकते हैं, वरना यहीं खड़े रहो ब्रिज के ऊपर। देख रहे हैं आप सब किस तरह से ट्रेलर
खुद में ही लड़ गई है पूरा कांच और सब। निकल जा मजा आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे हो चुके हैं गांधीधाम पर। अब यहाँ से आगे चलते हैं, कहीं खाना खाएंगे। देख कर टाइम भी हो गया क्योंकि 12:30 बज रहा है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं नमक की खेती, नमक कैसे मतलब बनता है, कैसे हम लोगों के पास आता है, वो सब दिखाएंगे। यहाँ केवल इतना ही दिखेगा, नमक कैसे मतलब जमाया जाता है, कैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है। आपके इंतजार की घड़ी हुई समाप्त और ये रहे नमक का खेती। इधर नमक का पानी जो है वो सुखाया जा रहा है और इधर ये है जो हम लोगों को खाने के लिए नमक आता है ना, यही है। इधर पूरा पड़ा हुआ है और आगे भी है, मतलब यहाँ पूरे में ना पूरे में नमक की खेती होती है, पूरे में नमक की खेती। अभी जो पानी डाला गया था खेतों में वो सूख गया है, थोड़ा बहुत बचा है वो जो सुखाया जा रहा है। अभी आप देखो ये पूरे रोड के किनारे नमक नमक पूरा जमा हुआ है, पूरा दिखा देता हूँ। बताया था क्या क्या है नमक है जो कि अभी आधा जमा हुआ है, आधा बचा हुआ है, वो भी थोड़े कुछ दिनों में ये जो पानी दिख रहा है जम जाएगा। ये देखिए पूरा जमा हुआ है, इसको ले जाके अभी यहाँ पे कारखाना में पूरा साफ किया जाता है, फिर इसका जो है पाउडर है नमक जो है उसको निकालते हैं। ये देखिए पूरा पानी जो है सुखाया जाता है, यही नमक की खेती है। चलिए फिर और आगे का सीन दिखाते हैं, तब तक बने रहिए। तो भाई आपको नमक की खेती दिखा दिया और यार यहाँ ना फिर से जाम लग गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आज जहाँ भी देखो मतलब जहाँ भी है ना तो हर जगह जाम में ही फंस जा रहे हैं। तो क्या ब्लॉक क्या क्या यार समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब पूरा दिन निकल गया यहाँ आते आते। तो इस ब्लॉक को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मतलब वीडियो आपको कैसा लगा। और इससे आगे फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।